मेरा दिन है आखिरी आज तेरे शहर में, आखिरी अलविदा मुझे कहना है तुझे। मेरा दिन है आखिरी आज तेरे शहर में, आखिरी अलविदा मुझे कहना है तुझे। फिर जब ये कंपोजिशन डन हो गई, जब सब डन हो गया, हाँ जी, फिर क्या कहा उन्होंने, अप्रूवल कैसे दिया? ये मैं सारा आधे घंटे में अप्रूव हुआ। हम एक गाने के लिए गए थे, तीन गाने करके आए उस दिन। अच्छा, उस दिन तीन गाने। और बोलते जब आप कहीं इस लेवल पे नहीं पहुंचे हो तो आपको लोग सीरियस भी नहीं लेते हैं और ना आपकी बातों को ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो वो तीन तीन गाने उसी वक्त कंपोज भी किए गए हैं और वो रिकॉर्ड भी किए गए। वो सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक सारा काम हो गया। वो सारा काम करके खुद को एक खुशी मिलती है। जी जी। हाँ, तो वही प्यार हम लोगों से चाहेंगे। कितना शौक है आपको चैलेंजेस से खेलने का? चैलेंज है तो जिंदगी है, चैलेंज नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है। रिस्क नहीं लगता आपको? मैम, रिस्क तो है, क्यों नहीं है। रिस्क अच्छे लगते हैं लेने के लिए और शौक है रिस्क का लेने का। रिस्क लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। आप कह रहे हो सारे नॉन फेमस जो हैं उनको आप आगे लेके चलेंगे, तो इन चीजों को कैसे आगे लेकर चलना है, ये क्या आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं? एक तो पूरा हमारा एम बना हुआ कि कैसे चलना है। एम बना हुआ है? एम बना हुआ, हमारा पूरा प्लान है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। वेरी गुड। हम नए आर्टिस्ट्स को लाएंगे तो उसमें से हमें हो सकता है कि कुछ को हम कंटिन्यू कर पाएं, कुछ को ना कर पाएं, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट्स है, चाहे वो फंड्स की हैं, चाहे वो उनको आगे मार्केट तक ले जाने की, उनके प्रोजेक्ट रेडी करने की है, तो वो हमारी लिमिट्स है। हम अगर 10 आर्टिस्ट को लेके जाएंगे तो उनमें से तो हम 2 को तो मुकाम तक पहुँचा ही पाएंगे, और हमारे जरिए वो कुछ ऐसा कर पाएं तो बड़ी खुशी की बात है। शुभम क्या है, एक सिंगर है या एक परफॉर्मर है? शुभम एक परफॉर्मर भी है, शुभम एक सिंगर भी है, शुभम पहले कॉमेडियन भी था। अच्छा। शुभम पहले मिमिक्री आर्टिस्ट भी था। कितने सालों से मैंने इस जगह का इंतजार किया है। मैं समझ सकता हूं कि मैं अभी पॉपुलर नहीं हूं, मगर आने वाले कुछ सालों में मैं पॉपुलर हो सकता हूं, वो भी इसकी बदौलत। पहला गाना आपका जो था उसका क्या हुआ? मैम, वो ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टरों के ही चक्कर में रह गया वो सारा ही। ओके ओके। तो उसका फाइनेंसिस का कोई वो आपका? जो फाइनेंसिस लॉस हुआ वो हुआ, अब हम फ्रेश स्टार्ट किया हमने और हमें अभी फाइनेंसिस पे इतना है नहीं। हम वो बोलते हैं जुगाड़ करके हमने फिर आपको बूटस्ट्रैप कर लिया हमने वापस से। तो आप किसके लिए ज़्यादातर लिखना पसंद करेंगे, क्लास के लिए या मास के लिए? दोनों के लिए, मतलब जैसे ऑन द डिमांड तो वो तो चाहिए होगा हमें ना जी। और जो जैसे मतलब गाने तो वो जो मतलब मरे ना, चलते रहें चलते रहें। तो आप ये नहीं बोल सकते कि शुभम चोपड़ा ने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक गाना गाया और इसी स्टाइल में ये गा सकता है जी। तो ये जो तीनों ट्रैक आएंगे इसमें बिल्कुल अलग अलग वेरिएशन है। ओके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और अंदर से दिल आया कि मुझे काम करना है, अच्छे से मैं कर सकता हूँ। इन्होंने भी बड़ा अच्छा भरोसा दिखाया भाई ने कि आप गा सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर मेरी भी जिम्मेवारी बन जाती है। वे मैं नहीं टूटना, तू फेर ओनू मंगना, तेरा फेर दिल टूटना, तू फेर ओनू मंगना, तेरा फेर दिल टूटना। जिंदगी का सफर, मेंटली एंड फिजिकल चैलेंजेस, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में भगवान ने बहुत सारे हर्डल्स तो लेकर आए, लेकिन उसी भगवान ने ऐसी ब्लेसिंग्स भी दी कि आज वो हम सबके सामने कुछ ऐसा लेके आए जो शायद हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो उनकी पूरी जर्नी जो है आज हम जानेंगे और उसके लिए हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हाय शुभम, हेलो साहिल एंड हेलो सिद्धू जी। सो पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया मैम, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया जी। सो हिमाचल से क्या लेके आए हैं? हिमाचल से तो आज हम कुछ नहीं ला पाए, बिकॉज हम तो यहाँ आपसे मिलने आए थे, बट आपकी वजह से सब से हम अभी मिल पा रहे हैं जी। सो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से सुनती हूँ कि विल पावर जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जी। हाँ। सो अनफॉर्चुनेटली आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ये 2017 से हुआ, आई एम श्योर कि उस टाइम पे आप बहुत टूटे होंगे, घर वालों का एक हौसला जो है वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन
ये हौसला कब आया कि आपको लगा कि नहीं, अगर भगवान ने फिजिकल चैलेंज देके मतलब टांगों के जरिए है ना दौड़ाना वाली जो मेरी रेस है वो खत्म की है, लेकिन मुझे अपने दिमाग और विजन की दौड़ में आगे बढ़ना है, ये किस तरह से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है? मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मैम ये 2018 से स्टार्ट हो गई थी जर्नी जी। हाँ, तो उस टाइम हमने धीरे धीरे टीम बनाना स्टार्ट किया, तो इसको हमें लगभग 2 से 3 साल लग गए टीम को इकट्ठा करने में, म्यूजिक टीम के लिए जी। सबसे पहले हमने राइटर्स इकट्ठे किए, उसके बाद फिर हमने कुछ सिंगर से कॉन्टेक्ट किया। वो हमारा एक फेज ऐसा था कि हर कोई हमें सीरियस नहीं लेता था उस टाइम, फिर हमने धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया कि अब हम जो वेल नोन सिंगर उनके साथ नहीं जाएंगे, जो न्यू कमर्स हैं जो म्यूजिक का नॉलेज रखते हैं हम उनको ही ट्रेंड करेंगे और उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब पर मैं एक चीज़ के लिए बहुत हैरान हूँ, एक तो आपने जो इंडस्ट्री चूज़ की है उसमें आप ऐसे आर्टिस्ट को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो नॉन फेमस है, पहला रिस्की हो गया ये वाला। हाँ, रिस्की तो ठीक है, पहला चैलेंज आपको जिंदगी की तरफ से मिला ठीक है, दूसरा चैलेंज आपने खुद अपने लिए बना लिया। आई मीन कितना शौक है आपको चैलेंजेस से खेलने का? चैलेंज है तो जिंदगी है, चैलेंज नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है। रिस्क नहीं लगता आपको? मैम रिस्क तो है, क्यों नहीं है, रिस्क अच्छे लगते हैं लेने के लिए और शौक है रिस्क का लेने का, रिस्क लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। सो आप इनसे साहिल से कैसे मिले हैं शुभम? मैं रिकी भैया जी के थ्रू इनसे मिला था जी, जहां म्यूजिक तैयार होता है स्टूडियो में, जो हंसराज हंस जी के गाने कंपोज भी करते, लिखते भी है, बनाते भी हैं, मैं उनके थ्रू इनसे मिला था जी। और मैं खुद भी घबराया हुआ था कि मेरी आवाज उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, कैसा रहेगा सफ़र, कैसा नहीं रहेगा। तो जब मैं इनसे मिला तो एक बोलते हैं ना कि इंसान की वाइब जब मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, अगर आप आगे चल रहे हो तो मैं भी आपके साथ उसी रेस के साथ आपके साथ दौड़ूंगा। अच्छा, ये वो ही ना वो बोलते हैं कि जैसा मोती होता है वैसी माला में पिरोता है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना कि आप गा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं पूरा पूरा जोर लगाऊंगा अपना जितना मैं कर सकता हूं, ताकि इनके गाने अच्छे से अच्छे हिट हों और लोगों को पसंद आए। तो हमारे गानों में ये नहीं होता कि जैसे अमूमन चलता है असला शराब या कुछ ऐसी बातें, जो नॉर्मल जो पहले चलते थे गाने अच्छे अच्छे, वो उस बिहाव पे हमने लिखे हैं, उस हिसाब से गाए हमने, उनको प्रेजेंट किया उसी हिसाब से और प्रेजेंट किया। जरूर सुनेंगे, एक बार उनसे पहले बात कर लें। सो राइटर संदू जी, नाम कैसे डिसाइड किया आपने ये? आई एम श्योर आपका मार्केट नेम आपने रखा होगा। जी जी, ये एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मेरे को मेरा एक्चुअली नेम जो थोड़ा पंजाबी टच का है। क्या नाम है? रियल नेम तो बता नहीं सकता। नहीं बताना। अच्छा, इसी से तो, फेमस होने। हाँ जी। तो वो थोड़ा पंजाबी टच का था, तो मास्टर मतलब जो मेरे टीचर्स थे उनको मेरा सर नेम नहीं था बताता, वो सर पता था तो वो सरनेम संधू लगा देते थे आगे, तो फिर इसी से मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे को इसी नाम से बोलने लग पड़े, तो फिर मैंने ये आगे कंटिन्यू कर दिया। तो आप कैसे मिले? और मुझे ये बताइए कि जैसे इन्होंने बोला कि आपकी जो राइटिंग है वो वैसी नहीं है जो आजकल ट्रेंड में ज्यादातर चल रहा है, सो इस तरह की राइटिंग आपने अडॉप्ट कहाँ से की? एक्चुअली राइटिंग मैं पढ़ा थोड़ा सुना, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सोचा कि जो मतलब जो रियल है चीज उसको लिखा जाए, उसको पहुंचाया जाए आगे तक। तो राइटर साहब आपके हिसाब से क्या रियल है? मतलब जो सच्चाई, जो जैसे कुछ जो इंसिडेंट रियल होते हैं उस हिसाब से। क्या आपका जॉनर रोमांटिक है? रोमांटिक भी है, सैड भी है, थोड़ा मतलब जो जैसे चलता है रियल लाइफ से। राइटर साहब आप पकड़े गए हो रियल इंसिडेंसेस, अब ये भी बता दो खुद के ऊपर कितने हैं जितने गाने लिखे गए हैं अभी तक? नहीं तो रियल इंसिडेंसेस जरूरी थोड़ी, वो एहसास तो खुद से आएगा ना, तो खुद से ही आएगा। डॉलर का मतलब पूछो। हां, इनकी एक डायरी उस पे डॉलर का सिंबल रहता है। बाहर से आया है क्या? हां जी, किसी रियल इंसिडेंस वालों ने भेजा है क्या? नहीं, ये तो अपना ही है, डॉलर का सिंबल रहता है इनका। एक लाइन है कि उदी डायरी पे डॉलर बने आ रहंदा, उसका मतलब पूछे आप इनसे। मतलब बता दो प्लीज आज। एक्चुअली मेरा नाम संधू है, तो फिर उसके ऊपर डॉलर, वो मैं ऐसे लिखता हूँ ना संधू को, वो डॉलर के साइन में लगा के। तो क्या ये सच है? ये इसके पीछे कुछ थोड़ा और गया है, आप मान सकते हैं कि एक फर्स्ट क्लास साइड जो लव होता है ना, थोड़ा उसको मान सकते हैं आप। चलो नहीं, राइटिंग का तो ये तो चलो बाद की बात है, राइटिंग का तो मेरा वैसे डॉलर ने सिखाना शुरू किया है लिखने की, इंस्पिरेशन दी है या पहले इंस्पिरेशन थी बाद में डॉलर मिले? वो तो राइटिंग और इंप्रूव हो गई ना उससे। अच्छा,
मान गए, मान गए, नहीं बहुत अच्छी बात है। पहले वो जिंदगी में फिर डॉलर आया ना। हाँ, अब डॉलर ही डॉलर। पहले मैं 9th 10th से किया था लिखना स्टार्ट है, तब इतना बढ़िया था नहीं उसमें, फिर धीरे धीरे और अच्छा किया और अच्छा किया, उसके बाद 4-5 साल हो गए, उसके बाद साहिल भाई से मुलाकात हो गई और उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू हो गई जी। सो स्मार्ट विक म्यूजिक है ना आपका म्यूजिक लेवल है, बट मैं एक चीज़ जरूर, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है आईटी से एकदम म्यूजिक में आने का जो आइडिया है, आई मीन ये इसके पीछे क्या एक मतलब स्टोरी है साहिल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम जिस चीज़ में एक्सपर्टी होती है हमारी, या हम पढ़ रहे होते हैं, आप रियाज बहरा से पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे क्या हमारा उसमें क्या होता है कि अगर कोई फ्लॉस लाइफ में आ गया, फॉर एग्जांपल फिजिकल चैलेंज आ गया था, तो वो आइडियाज़ और आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि वैसा सर्कल हमारा ज़्यादा होता है। नहीं मैम वो तो है, पर म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में चले उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और म्यूज़िक जो है वो आपको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए भी सबसे अच्छा है। क्या आप डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन में मैं कुछ टाइम बोल सकते हैं जी, हाँ, पर वो फिर अब सब चला गया फेज। और मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि आपकी म्यूजिक जो कंपनी है इसमें आप यूजुअली पहले मैनेजर्स को मतलब उनके साथ डील करते थे जो आगे आर्टिस्ट को सर्विसेज देते हैं, अब आप डायरेक्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, सर्विस दे रहे हैं। बट एक चीज जो मुझे हैरान कर रही है कि यहाँ पे कंपनीज को क्या होता है कि न्यू आर्टिस्ट के साथ कुछ ऐसे फेमस आर्टिस्ट को अपने साथ जोड़ना जिसके नाम पे ये हो सके कि ये आर्टिस्ट तो इस कंपनी के, आप कह रहे हो सारे नॉन फेमस जो है उनको आप आगे लेके चलेंगे, तो इन चीजों को कैसे आगे लेकर चलना है, ये क्या आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं? हाँ, एक तो पूरा हमारा एम बना हुआ है कि कैसे चलना है, एम बना हुआ है, एम बना हुआ, हमारा पूरा प्लान है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। वेरी गुड। हम नए आर्टिस्ट को लाएंगे तो उसमें से हमें हो सकता है कि कुछ को हम कंटिन्यू कर पाएं, कुछ को ना कर पाए, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट्स है, चाहे वो फंड्स की है, चाहे वो उनको आगे मार्केट तक ले जाने की, उनके प्रोजेक्ट रेडी करने की है, तो वो हमारी लिमिट्स है। हम अगर 10 आर्टिस्ट को लेके जाएंगे तो उनमें से तो हम 2 को तो मुकाम तक पहुंचा ही पाएंगे, और हमारे जरिए वो कुछ ऐसा कर पाए तो बड़ी खुशी की बात होगी जी। बिल्कुल। और आप जैसे कह रहे हैं कि अब हमारी पहले भी बात हुई थी कि बीट्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आजकल जो है वो दी जाती है, रादर देन कि उसके लिरिक्स क्या है, हाँ, उस गाने का सोल क्या है, हाँ, भी है या नहीं है, है ना? मैम ये तो करंटली चल ही रहा मार्केट में भी, हाँ, और ये हमारा अब हमारा जो म्यूजिक था ना, जो हमारा पुराना शास्त्रीय संगीत है, जो भी म्यूजिक था उसको हम भूल जाते मिसिंग है, अब ये हमने उस संगीत को और न्यू मिक्सचर को एक लग ही बे में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमारा फील वही रहेगा, जोनर भी हमारा वही रहेगा, अभी हम उस एड और रोमांटिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम ऐसा नहीं कि हम जो शादियों में चलने वाले गाने उनको नहीं करेंगे, वो भी करेंगे हम उस तरह से, जैसे हमारे साथ आर्टिस्ट आते जाएंगे हम उसी हिसाब से करेंगे आगे जी। अब कैटेगरीज बन गया, अब क्या कहा जाता है कि जी नहीं हम सिंगर नहीं है, हम परफॉर्मर हैं, कोई कहता है कि हम परफॉर्मर नहीं है जी, हम सिंगर है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी शुभम क्या है, एक सिंगर है या एक परफॉर्मर है? शुभम एक परफॉर्मर भी है, शुभम एक सिंगर भी है जी, शुभम पहले कॉमेडियन भी था, अच्छा, शुभम पहले मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, ओके, शुभम की जर्नी बड़ी मुश्किल थी, और कुछ समय ऐसा होता है कि आप एक अच्छी चीज को गाने के लिए उसमें डूब जाते हो। क्या सिंगर बनना था इसलिए ये सारी चीजें जो हैं आप स्टेप बाय स्टेप करते आए हो, या ये सारे टैलेंट जो हैं आपको खुद नहीं पता लग रहे थे कि हाँ मुझमें है? मुझे नहीं था पता। ओके। मैंने मिमिक्री और ये जो भी चीजें होती थी अमूमन जानते हैं मुझे अभी भी, मैंने इसलिए छोड़ी थी, इसमें लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, अगर आप अमूमन कभी बीमार भी हो तब भी किसी को लगेगा कि ये बंदा एक्ट कर रहा है, किसी की एक्टिंग कर, किसी की एक्टिंग कर रहा है, तो उसे सीरियस नहीं लिया जाता। फिर एक क्रेज था कि गाना सीखना है और गाना है जी, गाने में अच्छा लगता था, जब हम देखते थे बड़े बड़े पंजाबी सिंगर या बॉलीवुड के सिंगर जब आते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, तो मुझे था कि मुझे अब सिंगर बनना है, और फिर कुछ समय ऐसा हुआ कि मैंने भजन गाने शुरू किए और मैं भजन लाइन में चला गया जी। फिर लेकिन भजन लाइन में से वो कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ दिया होता कि तुझे सब काम करने हैं, तब मैं स्टूडियो में था तो स्टूडियो में रिकी भाई ने बताया था कि साहिल भाई एक ऐसी कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आप उनसे मिलिए, तो मुझे भरोसा नहीं था, मैंने कहा मैं भजन गाता हूँ खुद पर या इन पर या रिकी भाई पर, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था क्योंकि मैं भजन गा रहा था, और इनका जो गाने थे वो मैं देख के पहले, जो अभी वाला गाना है इसके भी बड़े हास्य मजाक वाले किस्से हैं, जब इन्होंने भेजा था तो मैंने मना कर दिया था। आपके साथ इतने सारे किस्से हैं
कि मुझे लगता है हर चीज के पीछे एक चैलेंज ही नहीं है, किससे भी है। हाँ, तो हम सब मिडिल क्लास से उठे, तो वो हमने सभी चीज को जुगाड़ कर करके और फिक्स किया सभी को। जब ये शूट अच्छा। भी हुआ है तो मैं कहीं से ट्रेवल करके आया जी, और मुझे बताया गया कि आज शूट है, तो जो इनके भाई जो गाड़ी चलाते हैं मैंने उनकी स्वेटर पहनी है, और इनके दूसरे भाई मैंने उनका कोट पहना है, और कोई और थे मैंने उनके जूते पहने हैं, तो इसमें मेरे खुद के कपड़े भी नहीं थे। तो आप ये देख लीजिए हम किस हिसाब से काम करने की झील रख रहे हैं कि हमने काम करना है बस। नहीं, हम लोग जुगाड़ू होते हैं ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े जुगाड़ू कि मतलब एक दिन में आप ट्रैवल करके आए और फिर कपड़े भी दूर-दूर से लेके गाना कर दिया बस। ये गाना कर दिया, रात को डिसाइड किया हमने और सुबह 4 बजे निकल गए शूट। ऐसा क्यों, आपने बीच में एक दो दिन क्यों नहीं लिए अपनी प्रेपरेशंस के लिए, किसके पीछे कोई भी रीजन था? हां मैम, रीजन काफी था, हमने प्रिपरेशन तो काफी टाइम से स्टार्ट की थी, पर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर एक दिन सभी टीम इकट्ठे हो रहे थे, सबका कोऑर्डिनेशन हो रहा था जी। फिर हमने डिसाइड किया कि रात को की शूट करेंगे, और सनी भाई से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था 2 दिन पहले, इन्होंने 2 दिन में ही सारा स्टोरी वगैरह सब लिखा। फिर मेरे बर्थडे के अगले दिन हम 9 तारीख को शिमला भाग गए। आपका तो अच्छा ये वही सिस्टम हो गया, बर्थडे पे भाई लोग बैठे हैं हाईवे पे केक काट रहे हैं और सोच रहे हैं चलो शिमला चलते हैं घूमने के लिए, और बस उसी उसमें एक ट्रिप हुआ और गाना बन गया सारा गाना। पर वाओ, मतलब मुझे लगता है आपकी वॉइस आपकी इतनी अच्छी आपकी क्वालिटी ऐड करती है कि आपको कपड़ों का अभी इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत प्रॉपर वेल प्लान्ड हर चीज की जाती है। सो कैसा लग रहा था दूसरों के कपड़े पहन के? कईयों का कहना होता है ना कि हम दूसरों के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा करना है काम, तो फिर जो जर्नी है तो उसमें तो बड़ा मोड देखने पड़ेंगे, तो जब कुछ बन जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन देगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल पे किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ? जैसे कहते हैं ना कि हम अगर अच्छे दिख रहे होते हैं तभी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ये आपके साथ हुआ उस टाइम पे? नहीं, मेरा मेन मोटिव वोकल को लेके था, जो मैं गा रहा था, और जो पहले जो कंपोज था और जब वो स्टूडियो में कंपोज हुआ तब मैं एग्री हुआ कि नहीं मुझे यही गाना गाना है जी। तो उसमें वेरिएशन भी थी, स्टाइल भी लगा है। अब हमारे जितने भी ट्रैक आएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि शुभम चोपड़ा ने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक गाना गाया और इसी स्टाइल में ये गा सकता है जी। तो ये जो तीनों ट्रैक आएंगे तो उसमें बिल्कुल अलग अलग वेरिएशन है। ओके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और अंदर से जील आई कि मुझे काम करना है, अब अच्छे से मैं कर सकता हूँ। इन्होंने भी बड़ा अच्छा भरोसा दिखाया भाई ने कि आप गा सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर मेरी भी जिम्मेवारी बन जाती है। हमारे भी आपकी एक जिम्मेवारी है, बहुत ज्यादा है। अभी जो जिम्मेवारी है वो आपकी ये कि हमारी जो ऑडियंस इस टाइम आपको सुन रही है आप उनको भी गा के बताइए कि जिस गाने की शूटिंग अभी आप करके आए हैं। जी मैं जरूर सुनाऊंगा, वो संधू जी ने लिखा है, या मैं उसका किस्सा सुनाऊं आपको? पहले किस्सा सुना दीजिए। अच्छा, पहले किस्सा सुनाता हूँ। अब नई नई बात थी, भैया जी ने नंबर दिया मेरा और इन्होंने गाना भेज दिया जी, और वो जब वो गाना आया तो मैंने मना कर दिया, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था अंदर से कि मैं इस गाने को गाऊं। जो जिस हिसाब से वो चल रहा था वो गाना ऐसे था, मेरा दिन है आखिरी तेरे शहर में आखिरी अलविदा मुझे कहना है तुझे। मैंने ठीक है, मैंने निकाला, मैंने कहा मैं अपनी वेरिएशन कर सकता हूँ? बोले हाँ करो। मैंने वेरिएशन करके दी, पता नहीं इन दोनों की क्या बात हुई होगी, इनका मैसेज आता है बोलते नहीं आप ऐसे ही गाओ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसमें मुझे तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, मैंने कहा ठीक है मेरा दिन है आखिर, और मैंने भेज दिया और ये खुश हो गए। मेरा दिल नहीं मान रहा था अंदर से, और मैंने रिक्की भैया को फोन कर दिया, मैंने कहा मैं ये गाना नहीं गा सकता जी, मुझे अंदर से फील ही नहीं आ रहा मैं कैसे गाऊँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक मीटिंग रखते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं। जब हम स्टूडियो में गए, अब आप सुनिए, जब वो स्टूडियो में फर्स्ट टाइम मिले थे मैं इनसे फर्स्ट टाइम ही मिला था जी, और मैं घर से खाली पेट ही चला हुआ था और मुझे नहीं था पता कि इनको पसंद है, मैं घबराया भी हुआ था। मैंने रिक्की भैया को 10 बार कह दिया, उन्होंने मुझे हौसला दिया आप डरो मत, आप अच्छा गाते हो आप गाओ, क्या होगा अगर हम मना कर देंगे? तो उससे आपको सीख मिलेगी कि आप कहाँ आपकी कमी रहती है। तो हम बैठ गए, भैया जी सब आ गए, तब वो कंपोज हुआ कुछ इस हिसाब से, हाथों को लेके उसके हाथ में खुश रहना तुम अब उसके साथ में, हो सके तो कभी भी मेरा जिक्र ना करना बात में, अगर गलती हो गई हो कोई यार मुझसे
हाथ जोड़ता हूँ माफ करना तू मुझे, मेरा दिन है आखिरी आज तेरे शहर में, आखिरी अलविदा मुझे कहना है तुझे, मेरा दिन है आखिरी आज तेरे शहर में, आखिरी अलविदा मुझे कहना है तुझे। तो फिर जब ये कंपोजिशन डन हो गई, जब सब डन हो गया, हाँ जी, फिर क्या कहा उन्होंने, अप्रूवल कैसे दिया? फिर सारा आधे घंटे में अप्रूव हुआ, हमें एक गाने के लिए गए थे, तीन गाने करके आए उस दिन। अच्छा, उस दिन तीन गाने। और बोलते जब आप कहीं किस लेवल पे नहीं पहुंचे हो तो आपको लोग सीरियस भी नहीं लेते हैं और ना आपकी बातों को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो वो तीन गाने उसी वक्त कंपोज भी किए गए हैं और वो रिकॉर्ड भी किए गए। सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक सारा काम हुआ, वो सारा काम करके खुद को एक खुशी मिलती है। जी, जी। हाँ। तो वही प्यार हम लोगों से चाहेंगे, बिल्कुल उनका प्यार आशीर्वाद मिलेगा और आपके माध्यम से हम जुड़े हैं तो आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। बस मैंने कहा ना, इसी तरह से कड़ियां जुड़ती जाती हैं, सोर्सेस बनते जाते हैं, रास्ते निकलते जाते हैं। एक चीज मैं जरूर जाननी चाहूंगी, जैसे आपने डबिंग की बात की है, स्टूडियो की बात की है, खैर प्रोडक्शन हाउस का तो क्या ही है, लेबल आपका खुद का है, लेकिन वो भी एक अपने आप में यू नो एक टेस्ट कह सकते हैं आर्टिस्ट के लिए। जब भी कोई न्यू कमर स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो यूजुअली क्या होता है, उसको कॉल करी जाती है और हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि लारे ते तक्के बड़े असी खादे है, तक्के भी बड़े खादे तो लारे भी बड़े सुने, फोन करके फोन नहीं चकिया जाता। हाँ जी मैडम। ठीक है, और स्टूडियो में जाओ तो वेट करवा के वापस भेज दिया जाता है। हाँ। आपको टाइम नहीं दिया जाता, मतलब न्यू कमर को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि आप भाई नए हैं, हम हमारे पास ना ही टाइम है और हमारे पास वैसे भी टैलेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में। क्या आपने ये चीजें फेस की हैं? हाँ मैम, पहले हम जितने भी स्टूडियो में गए, अब मैक्सिमम स्टूडियोज होते हैं वो या तो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे होते हैं, तो उनके साथ मीटिंग वैसे फिक्स नहीं करते हैं कि बोलते हैं आप ऊपर नहीं आ सकते पहले, क्योंकि हम पहले उनके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे क्या रेट वो प्राइस लेंगे। एक तो प्राइस को लेके बड़े इशू हैं यहाँ, हाँ यहाँ पे जो है वो न्यू कमर से लाख लाख रुपए तक म्यूजिक डायरेक्टर चार्ज कर लेते हैं जी। और वही जो वेल नोन आर्टिस्ट है उनसे वो 40,000-50,000 में चार्ज करते हैं, उनको आप एक बार पेमेंट कर दो तो उसके बाद कॉल नहीं उठाएंगे वो। और उस यहाँ पे हमने फेस इसी के चक्कर में हम आने पहले स्टार्टिंग की थी, वो हमारे गाने वो कुछ अभी रिलीज नहीं हुए, वो वैसे ही रह गए वहीं पे स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर हम रिक्की भाई से मिले तो उनका तो ऐसा कि वो खुद बाहर लेने आते हैं कि जैसे मैं भी बीच पे, हाँ रिस्पेक्ट, वो खुद मेरे को अंदर लेके जाएंगे भाई, उनके साथ वो इतना भाई वाला प्यार है जी। हाँ सो मतलब बहुत सारा कुछ आप फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। पहला गाना आपका जो था उसका क्या हुआ? मैम वो ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टरों के ही चक्कर में रह गया वो सारा ही। ओके ओके, तो उसका फाइनेंसिस का कोई, वो जो फाइनेंसिस लॉस हुआ वो हुआ, अब हम फ्रेश स्टार्ट किया हमने और हमें अभी फाइनेंसिस पे इतना है नहीं, हम वो बोलते हैं जुगाड़ करके हमने फिर आपको बूटस्ट्रैप कर लिया हमने वापस से अपने आप। बट व्हाट अबाउट द रेवेन्यू, अगर आप बिल्कुल भी नॉन फेमस सारे आर्टिस्ट अपने साथ कनेक्ट करते हैं, आप कह रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, एक काइंड ऑफ दिख रहा है ना, तो किस तरह से आगे फंड्स का इशू अगर और आपको फेस करने पड़ेंगे आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे फिर? तो मैम अभी हमारा जो वो बूटस्ट्रैप है सारा ही, और फाइनेंस का इशू तो है वो तो नो डाउट आगे जाके होगा ही होगा, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है, जो हम आर्टिस्ट को हम 5 आर्टिस्ट कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, उसके बाद ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा अदर बिजनेस ऑफ सोर्स है इनकम, तो वहाँ से हमारी जितनी आउटपुट हो सकेगी उतना ही हिसाब से, हमारा ऐसा नहीं कि हमने साल में 20 गाने करने हैं या 5 गाने करने हैं, हमारा जितनी हमारी क्षमता होगी उसी हिसाब से हम आर्टिस्ट जितने हमारे पास हमें लगेगा कि हम इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से उतना धीरे धीरे डालेंगे। अब बोलते हैं कि जो अगर कौवे को प्यास लगी तो वो पत्थर डाल के उस पानी को ऊपर ले आएगा जी। तो वही वैसा हम कर रहे हैं, हमने इसको बूटस्ट्रैप ही रखने की को रखा है जब तक कि हमारा ये बूटस्ट्रैप ही रहेगा, बाहर का हम ना पैसा लेंगे। जैसे हमारा कोई आर्टिस्ट चलता है या उसका कुछ गाना चलता है तो लेबल्स उसके पीछे फिर पड़ जाते हैं, तो हमने आर्टिस्ट को भी पहले क्लियर किया है कि जो भी यहाँ से होगा वो आगे जो आर्टिस्ट आएंगे नए जिनको हमको हेल्प करना है तो वो उसी पैसे से हम उनको आगे और हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो ये एक के बाद ही खत्म हो जाएगा ऐसा तो कारोबार। तो इसमें आपका कितना प्रॉफिट लॉस है और इंडिविजुअली आर्टिस्ट का क्या प्रॉफिट लॉस होगा? चलो उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही जाएगा अपनी आवाज को आगे रखने के लिए या कलम को आगे दिखाने के लिए, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपका और आर्टिस्ट का देखा जाए तो क्या प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा? आर्टिस्ट को तो जो आर्टिस्ट है उनको तो बेनिफिट ही रहेगा कि उनका एक मार्केट वैल्यू फेस बनेगा, उसके उनको काम भी आएगा। अगर आर्टिस्ट हमारे साथ रहता तो वो हम उसको अच्छे तरह से मोनेटाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे मोनेटाइज करना है, सोशली आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ही आप। हाँ, तो जो भी हमें उनको कैसे मोनेटाइज, उनकी
फेम को कैसे मोनेटाइज करना है, उनकी जो म्यूजिक की सेंस है उसको कैसे मोनेटाइज करना है, तो उससे जो अगर वो जिससे अगर कमाएंगे तो हमारे पास भी कुछ आए उससे हम आए फिर आर्टिस्ट को, और अगर हम 10 आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे तो हमारी इतनी तो है कि हम उसमें से एक आर्टिस्ट अच्छा निकाल सकते हैं जी, बाकी तो प्रभु के ही सारे सारा ही। राइट, सो अब शुभम आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप किस तरह से अपने प्लान्स को देखते हैं और किस तरह के डिस्कशंस अब आप तीनों के चल रही है प्रोजेक्ट्स को लेके? हमने जो भी हमारे डिस्कस होती है तो हम उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी ट्रैक आएंगे वो कहीं पहुंचने चाहिए। आर्टिस्ट तभी खुश हो जाता है कहीं से अगर कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है या किसी शॉप पे आप जाते हो या कहीं भी जाते हो वहाँ आपके हल्का सा गाना भी आपको सुनाई देता है तो आपकी ड्रीम वहीं पूरी हो जाती है। राइट, तो अब आपका सपना ये है? हमारा सपना यही है। हमारी 6 से 7 बंदों की टीम है पूरी जो यहाँ पे आ जा नहीं पाए हैं। मनीष भाई हैं मेन, वही हैं जो कोऑर्डिनेशन का पूरा करते हैं, मतलब मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ फिर वो आगे उसको बोलते ना कि जमीन पे लाने वाला प्रोजेक्ट जो है, अब मेरी कुछ लिमिट्स हैं जो मैं नहीं कर सकता तो वो मेरे कदमों का सहारा वो बने फिर आगे। पहले कहते थे कि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप कैसे रीच करेंगे, है ना, कैसे रीच होगी, अब कहते हैं एक बटन से आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। सो मैं वही कह सकती हूँ कि जैसे भगवान ने आपको जो पावर अब दी है कि आप सोशली इतने अच्छे, एक्सपर्टी आपकी जो है कि आप कहीं पर भी बैठ के आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप अपने आर्टिस्ट को लेके जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्लानिंग भी है। आपकी प्लानिंग ये है कि आप सेटअप करना चाहते थे, प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना चाहते थे हिमाचल इंडस्ट्री को, बट अब आपका टारगेट पैन इंडिया हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर ऑडियंस को इसके बारे में भी बताएं। हम किसी एक जोनर में नहीं बंद के रहना चाहते, स्टार्टिंग हमने हिंदी और पंजाबी से करेंगे क्योंकि अभी ये करंट जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, अब हम टॉपिक तो हमें, अब हम आर्टिस्ट ट्रेंडिंग नहीं पढ़ रहे हैं बट हमें टॉपिक तो पकड़ना पड़ेगा ना, ताकि हम ऑडियंस के उस भाव को हम मोनेटाइज कर सकें, ताकि और नए आर्टिस्ट ला सकें। तो हम धीरे धीरे हर जोनर में जाएंगे, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं उनको, वो चाहे वो साउथ से चाहे नॉर्थ से, क्योंकि इंडिया तो पूरा एक पैन इंडिया है, उसमें भाषाएं आप 10 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हो जाती है, पंजाबी में भी आप देख लो कितनी भाषाएं हैं। राइट, आप चाहे यहाँ से हरियाणा चले जाएंगे, चंडीगढ़ से आगे तो फिर वहाँ पे बोली चेंज हो जाएगी। तो ये कि हम हर कैटेगरी में करेंगे और धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा नहीं कि एक गाना एक कैटेगरी में किए फिर दो अलग कैटेगरी में किए, स्टेप बाय स्टेप जैसे रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। हम तमिल भी करेंगे, हम कन्नड़ भी करेंगे और बंगाली भी करेंगे। और कुछ एजेंसीज के साथ जिनके साथ आपने काम किया है म्यूजिक लेबल के जरिए, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, तो कुछ बड़े नाम भी साथ में जुड़े हुए हैं, आपको तो प्राउड भी फील होता होगा, और उनके नाम भी बता दीजिए आप। हाँ, हमने मोहित चौहान जी के साथ जो उनका बहुत फेमस गाना है अम्मा पूछे मेरी जी, जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करता है हर जगह, उनके साथ काम किया हमने। जैसे मेरा भोला है भंडारी फेम, जो हंसराज रघुवंशी जी हैं और ये रिक्की भाई हैं बाबा जी, ये इनके थ्रू हम इनके साथ काम कर रहे हैं जी। एक गाना था हमारे जो है चल चल हट तेरा बाप आया, फवाद भिवंडी वाला, उनका हमने उनके साथ काम किया, उनके भजन हमने किए हैं। तो ऐसे काफी नाम्स हैं जो बेल लेवल्स के साथ आए हैं बट बैकएंड में उनके साथ हम उनका हमने काम किया है। दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि एक इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, वो भी इस डिजिटल दुनिया में, तो पीछे के पीछे कौन कौन होता है ये तो, है ना, हमारी भी क्वालिटीज जो है वो हमारी हेरिडिटरी भी होती है, कुछ पेरेंट्स आई होती है, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स आई होती है, सो सब कुछ वैसे ही घूमता रहता है। एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका विजन जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है ना, बहुत अच्छे से इन चीजों को प्लान आउट कर रहे हैं। तो आप हमें क्या सुनाएंगे अब? आप क्या सुनना चाहेंगे? आप पहले तो ये बताएं, आप मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो आप किन की आप मिमिक्री करते रहे हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, जो आपकी ऑल टाइम हो गई हैं? मैं ना जैसे रेडियो सुनते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था रेडियो पे बात करना, या जैसे फिर उन पे कॉल लगाने कि आप इस आर्टिस्ट से बात कर सकते हैं जी। मैं उस बिहा पे बात करता था। अब अगर अभी थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉपर वो आवाज़ें नहीं सुनाई दी क्योंकि काफ़ी टाइम तक, अब मैंने पूरा जो मेरी जर्नी है मैंने पूरी म्यूजिक को ही दिया है जी। तो हमारे वहाँ जैसे नमस्कार, सुनो चला 95.5 FM में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपका कॉल जा रहा है शाहरुख खान सर के लिए। तो हल्की सी करने से कितने सालों से मैंने इस जगह का इंतजार किया है मैं समझ सकता हूं कि मैं अभी पॉपुलर नहीं हूं मगर आने वाले कुछ सालों में मैं पॉपुलर हो सकता हूं, वो भी इसकी बदौलत। और
आपकी बदौलत मैडम। क्या बात है, बहुत खूब। ये ऐसे ऐसे होता था जैसे और वो भी थे। वाह 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 बेटा, मैं पॉपुलर नहीं हूँ मैं मानता हूँ, मगर मैं कुछ समय बाद पॉपुलर हो सकता हूँ, तुम जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा मैं पॉपुलर हो सकता हूँ। तो ये ऐसी ऐसी चीजें मैं ट्राई करता था, लोगों को हंसाता था। फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैं भजन गाने में अच्छा मन लगा, भजन गाए, भजन के थ्रू हंसराज भाई ने मुझे लॉन्च किया। मेरा फर्स्ट भजन आया था बोलेगी बोला, क्या बात। तो मैंने फिर भजन गाने शुरू किए। फिर भजन के बाद जो है रिकी भाई ने मुझे साहिल भाई से मिलाया, और साहिल भाई से ऐसा अब रिश्ता हो चुका है जी। कि बड़े भाई और छोटे भाई जैसा परिवार बन चुका, परिवार बन चुका है। हाँ जी, आप मिस्टर डॉलर, आप क्या सोच रहे हैं अब, और क्या आप, आपका विजन क्या, और किस तरह के गाने जो हैं आप अब लिखना चाहेंगे मार्केट को देख के, क्योंकि आपने पहले बताया कि जो ट्रेंडिंग में अच्छा एक और सवाल मेरा आपसे है कि यूजुअली राइटर और जो सिंगर होता है उनका कहना ये होता है कि हम वो ही लिखते और बोलते हैं और सुनाते हैं जो ऑडियंस डिमांड करती है। अगर हम कुछ अच्छा गाते हैं तो ऑडियंस की रीच कम हो जाती है, क्योंकि क्लास और मास दो तरह की ऑडियंस होती है। तो आप किसके लिए ज़्यादातर लिखना पसंद करेंगे, क्लास के लिए या मास के लिए? दोनों के लिए, मतलब जैसे ऑन द डिमांड तो वो तो चाहिए होगा हमें ना जी। और जो जैसे मतलब गाने तो वो जो मतलब मरे ना चलते रहें चलते रहें। बट नहीं, अगर आज आप यहाँ बैठे हैं और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपके पास मार्केट से कुछ अलग है क्योंकि आप सीख के आए हैं, तो मुझे लगता है वो उन्हीं की बदौलत है। आपके जितने भी लोग हमें देख रहे हो उसमें हो सकता है सिंगर भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। तो सीखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि एक अगर आर्टिस्ट कोई गाना देखता है तो वो देखता है कि इस सिंगर ने इसी हिसाब से गाया है। अगर कोई सीखने वाला देखता है तो हम उसमें हल्का सा राग ढूंढते हैं कि ये किस राग में है, तो हम उस राग के थ्रू जो हम वहाँ तक उस कार्य को कर सकते हैं, उस गाने को अच्छे से गा सकते हैं। बाकी हमने अपने उस्तादों से सीखा है, उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम दी है, और म्यूजिक की डिग्री भी म्यूजिक में की है, हमने म्यूजिक की डिग्री की है जी। तो यही है कि वक्त लगता है धीरे धीरे पहुंचने तक, कहां तक आपकी जर्नी कहां ले जाएगी वो किसी को कुछ पता नहीं होता। करने कराने वाला सिर्फ भगवान है और कुछ एक अच्छे लोग होते हैं जो आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। कारवां जुड़ता जाता सफर निकलता जाता। क्या बात है, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कह दी है। और इसी के साथ क्या कुछ ऐसा है जो अभी आपकी जो भी आपकी टीम है या जो भी आपका म्यूजिक लेबल है उसका कुछ भी ऐसा जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को? हमारा यूट्यूब पे स्मार्ट वीक नाम से चैनल है, और इसी ही नाम से हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। तो आप हमें, अगर आप, आपके पास म्यूजिक का अच्छा नॉलेज है तो आप हमें वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। स्मार्ट वीक मीडिया नाम से भी हमारा पेज और यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी रीच कर सकते हैं हमें दोनों पे। क्या बात है। सो मैंने तो आज एक ही चीज़ जो है वो सीखी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अब उन चीज़ों का जो मायना है, जो असल मतलब है, वो समझ में आने लग गया, और वो ये है कि चलती का नाम जिंदगी है, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने बैठे हुए हैं। सो आप तीनों को एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारी दुआएं हैं, बेस्ट विशेस। एक तरीक को हमारा मैम गाना फुल रिलीज हो रहा है जी, अब बताइए। हाँ। जो हमने आपको अभी सुनाया अलविदा द अनटोल्ड स्टोरी है, 1 तारीख को आ रहा है। आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा ताकि हमारे हौसले टूटे ना, वो बुलंद हो जाए। क्या बात है। सो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, और फिर से एक बार दुआएं जो है वो आप तीनों के लिए हमारी तरफ से हैं। तो आप भी हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।